हेलो एवरीवन, आज के इस सेशन में आप सबका स्वागत है। माई सेल्फ चंदन प्रसाद। आज के इस वीडियो सेशन में जो हम लोग डिस्कस करेंगे आपका जेपीएससी मुख्य परीक्षा में जो आपका पेपर 2 है, भाषा एवं साहित्य पेपर, जिसमें कि 15 भाषाएं होती हैं, उनमें से आपको एक सिलेक्ट करना होता है। 15 भाषा में अगर हम बात करें तो इसमें आपका उड़िया होता है, बंगला, उर्दू, संस्कृत, अंग्रेजी, हिंदी, संथाली, पंचप्रज्ञा, नागपुरी, मुंडारी, कुडुख, कुरमाली, खोटा, खड़िया और आपका हो भाषा। ये कुल 15 भाषा है। इनमें से आपको किसे सिलेक्ट करना चाहिए? बहुत सारे पिछले बार भी एग्जाम दिए थे, उन्हें भी कंफ्यूजन है, और बहुत सारे छात्र ऐसे भी हैं जो पहली बार एग्जाम देना चाहते हैं, उनको भी कंफ्यूजन है कि आखिर इसमें से कौन सा सिलेक्ट हम करें। सबसे पहले तो हम पॉइंट वन पर ये बात करेंगे कि अगर आपको इनमें से कोई एक ही भाषा आता है, कन्फ्यूजन तब होता है जब आपको एक से दूसरा भाषा ज्यादा आता है, उनके लिए कन्फ्यूजन है। लेकिन वैसे छात्र जैसे कि मान लीजिए जिन्हें सिर्फ हिंदी आता है, दूसरा अन्य कोई भाषा में वो कंफर्टेबल ही नहीं है या फिर उन्हें आता ही नहीं है, तो उनके लिए तो सिर्फ एक ही चॉइस है कि आप सिर्फ जो भाषा आता है उसी को सिलेक्ट कर सकते हैं। आपको कोई कंफ्यूजन रखना ही नहीं है। उसका सिलेबस क्या था, क्या नहीं है, क्या मार्किंग किया जा रहा है, उससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। जो आपको आता है सिर्फ उसी को देखना है। तो हिंदी अगर मान लीजिए नागपुरी है हमारे लिए, तो हम उसी को सिलेक्ट करेंगे, इसके अलावा कोई और दूसरा च्वाइस ही नहीं है। अब बात करते हैं कि जो अन्य छात्र हैं जिन्हें एक से ज्यादा भाषाएं आती है, स्थानीय भाषा भी जानते हैं और हिंदी और इंग्लिश भी उन कंफर्टेबल थे, उनके लिए क्या करना है? तो ये सबसे पहले ये चेक करना होगा कि किस भाषा में आपको सबसे ज्यादा पकड़ है, किस भाषा को आपका स्कूलिंग में था, कॉलेज लेवल था, या फिर डे टू डे एक्टिविटी में आप जिस भाषा में लोगों से बात करते हैं वो भी सबसे ज्यादा मायने रखता है। वो किस आधार पर, तो आगे हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि आखिर बोलचाल की भाषा अगर जो है उसी को सिलेक्ट करना क्यों सही है, वो इंटरव्यू में सबसे ज्यादा मायने रखता है। दूसरा चीज है आपका कि सिलेबस भी देखना है। पहला चीज तो ये आपको देखना है कि किस भाषा में सबसे ज्यादा आपको अच्छी पकड़ है। दूसरा चीज आपका, अगर मान लीजिए एक से दो भाषा आप हिंदी भी अच्छे से जानते हैं, कोटा भी जानते हैं, नागपुरी भी जानते हैं, तो वैसे सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे, सिलेबस देखेंगे कि हम किस में ज्यादा कंफर्टेबल हैं, क्या जो सिलेबस दिया हुआ है क्या हम उसे अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं, क्या स्टडी सोर्सेज हमारे पास सफिशियंट है। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, हिंदी के जगह कोटा ले लेते हैं, लेकिन उनके पास स्टडी मटेरियल होते ही नहीं है, तो वो सबसे ज्यादा दिक्कत हो जाता है। हिंदी आप लेते हैं, हो सकता है सिलेबस उसका ज्यादा है, क्योंकि सबसे बड़ा डाउट स्टूडेंट में बाकी अन्य भाषा में नहीं है, सिर्फ हिंदी और इंग्लिश में है और अन्य भाषा के साथ कंपेयर किया जा रहा है, बाकी सारा सेम है, तो इसीलिए हम लोग उस पर ही फोकस करेंगे। तो हिंदी का अगर देखिएगा सिलेबस अन्य भाषाओं के मुकाबले बहुत ज्यादा होता है, लेकिन इसका स्टडी मटेरियल और अन्य चीजें आपको जल्द उपलब्ध हो जाती है, क्योंकि इसका सिलेबस अन्य परीक्षाओं पीसीएस से मिलता जुलता है, और भी बहुत सारे मार्केट में बुक्स आते हैं तो वो आपको इजिली होता है, तो इस चीज को भी ध्यान रखना है। और तीसरा चीज ये मायने रखता है कि क्या इंटरव्यू में जो हम भाषा एवं साहित्य पेपर सिलेक्ट करेंगे क्या उसका कोई रोल है? बिल्कुल है। जो इस बार परीक्षा दिए मुख्य परीक्षा और वो इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई किए, जैसा कि आपको पता है 990 छात्र जाके इंटरव्यू में दिए थे, उसमें से कोई छात्र 20 या 25 छात्र सॉरी 23 छात्र जो थे परीक्षा इंटरव्यू में नहीं गए थे, बाकी सारे छात्र गए थे। तो उनका एक चीज था कि उनके लिए एक स्पेशलाइज्ड, हर कमेटी में जो उनका इंटरव्यू हुआ था, एक स्पेशलाइज्ड जो था वो भाषा एवं साहित्य का एक्सपर्ट था। जो आप भाषा सेलेक्ट किए, जैसे कि आप कोटा सेलेक्ट किए थे, नागपुरी सेलेक्ट करते हैं, तो आपको उसी भाषा में बात करनी होती है और उसी भाषा में उनको जवाब देने पड़ते हैं। तो ये सारी चीजें अगर आप भाषा ले लेते हैं, बहुत सारे छात्र ऐसे करते हैं क्योंकि खोटा और अन्य भाषा ऐसे हैं जो कि आप अगर पहले से नहीं भी जानते हैं, बोलते हुए भी नहीं है, आम बोलचाल की भाषा में नहीं है, तो उसका आप स्टडी मटेरियल आपके पास है तो आप अच्छे से उसकी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि उसका सिलेबस भी कम होता है और चीजों को ध्यान में रखे वहां पर अगर तैयारी करते हैं तो आप उसमें अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। लेकिन आप जब प्रैक्टिकल में वही जाते हैं, बोल चलने लग रहे, अगर हम आपसे बात करने लगते हैं उसी भाषा में, खोटा में, नागपुरी में, तो आपको वहां पर दिक्कत हो जाती है। तो इस बार स्टूडेंट का हमने वो चीज देखा था, हम बहुत सारे स्टूडेंट से ऐसे मिले थे जो मेंस के एग्जाम दिए थे, इंटरव्यू में गए, खोटा भाषा उन्होंने ले लिया था, अच्छा मार्क्स भी आया मेंस में, लेकिन इंटरव्यू में जो एक्सपर्ट के द्वारा उनके साथ जो इंटरव्यू में प्रश्न हुआ फेस टू फेस हुए, तो वहां पर उन्हें दिक्कत हुआ था। तो इन सारी चीजों को भी ध्यान में रखिएगा बहुत ज्यादा। इसीलिए हमने बोला कि स्कूलिंग, कॉलेज लेवल पर जो आपका भाषा था, जो आप अच्छे से अभी तक बोलते आ रहे थे, उस पर ज्यादा फोकस कीजिए। आप जिसमें तैयारी अच्छे से कीजिएगा वो आपके लिए कंफर्टेबल रहेगा, चाहे आपके पास हिंदी हो,
नागपुरी हो, खोटा हो, अंग्रेजी हो, पंचवर्गीय हो या फिर 15 भाषा में से कोई भी आपका हो। और तीसरा पॉइंट, चौथा जो पॉइंट था आपका, वो था आपका कि क्या हिंदी और अंग्रेजी के अलावा जो अन्य भाषा है, स्टूडेंट को इसमें ये कंफ्यूजन है कि क्या जो हम हिंदी और इंग्लिश के अलावा अन्य जो भाषा लेते हैं, क्या एग्जामिनर के द्वारा जो आपका कॉपी चेक करेगा मुख्य परीक्षा में, उनके द्वारा क्या ज्यादा मार्क्स मिलता है और हिंदी वाले को इंग्लिश वाले को कम मिलता है। तो बहुत सारे छात्रों का इसका आंसर दिया गया था, ये हम अपनी तरफ से नहीं बता रहे हैं, जो भी मेंस के परीक्षा दिए थे चाहे कोई भी हो उनके द्वारा जो दिया गया था उनके द्वारा ये हमें पता चला है। मार्कशीट जो कि जारी किया गया था सभी का, जो मार्क्सिट जारी किया गया था उनमें एक चीज ये देखने को मिला था, लेकिन उसका कोई सटीक प्रमाण नहीं है कि हिंदी और अंग्रेजी का जो मार्किंग किया गया था अन्य भाषाओं के मुकाबले वो कम था। खोटा में हम कुछ छात्रों का ऐसा नंबर देखे हैं जिनका 150 अंक का होता है, जैसा कि आपको पता है पेपर टू आपका 150 अंक का होता है, खोटा में उनको 120 मार्क्स मिला था। आप समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा मार्क्स मिला, जबकि हिंदी के बहुत सारे मार्क्सिट हमने देखा वहां पर बहुत कम ऐसे छात्र थे जिनका 100 से ज्यादा मार्क्स था, मतलब कि 100 से आपको बिलो रखना था, 80-90 एवरेज अगर बोला जाए तो 80-90-100 के बीच में आपका रहा। तो ये सारी चीजें वहां पर देखने को मिला था। ऐसा हमको ये चीजें मैक्सिमम मार्क्स बताने हिंदी में कि कितना सबसे ज्यादा स्टूडेंट का आया था, चूंकि इतने सारे छात्र थे कि इनका सबसे ज्यादा रहा है, वो चीज बताना मुश्किल है, लेकिन आपका जो देखा गया था, जो मार्कशीट हमने देखा है उस आधार पर हम आपको साथ बता रहे हैं। क्लियर है? क्योंकि हमने यहाँ पर बहुत सारे मार्कशीट वगैरह देखे थे, उस आधार पर हमने बताया। बहुत सारे छात्र ने तो मार्कशीट देने से ही इनकार कर दिया था, उन्होंने नहीं दिया था, बहुत सारे चूंकि इसमें डिमेरिट वगैरह आते रहते हैं, डिफिकल्टी होते हैं, हमेशा प्रॉब्लम होते हैं जेपीएससी की परीक्षा में, इसलिए बहुत सारे छात्र शेयर करने से वो डरते हैं या फिर बहुत सारे देना ही नहीं चाहते हैं। तो उन सारी चीजों को ध्यान में रखे हमने आपको ये सारी चीजें बताई थी। तो अब ओवरऑल हम लोग अगर बात करें तो सबसे ज्यादा जब सिलेक्ट करते हैं भाषा एवं साहित्य पेपर को, तो सबसे पहला तो ये चीज देखना है कि आपका जो पकड़ है किस भाषा में सबसे ज्यादा है, वो सबसे ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि वो सबसे ज्यादा आपको लिए मायने भी रखती है, इंटरव्यू तक भी आपको वो चीजें को फेस करना पड़ेगा। और ऐसे भाषा को सिलेक्ट करने की कोशिश की जो आपका स्कूलिंग रहा हो, बोलचाल में आप हमेशा यूज करते हैं और उसे अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। और दूसरा चीज के स्टडी सोर्सेज भी सबसे ज्यादा मायने रखता है, क्योंकि आप जब तक सिलेबस है सिलेबस के अकॉर्डिंग देखिए कि हमें क्या स्टडी मटेरियल ये और जो बुक्स है मार्केट में क्या अवेलेबल है, उपलब्ध है, अगर वो खोजिएगा तो जरूर मिलेगा, लेकिन वो बहुत सारे स्टूडेंट को उसमें बहुत सारे मेहनत करने पड़ते हैं और कुछ को ज्यादा इजिली मिल जाते हैं, तो वो चीजें भी आपके लिए बहुत ज्यादा मायने रखती है। तीसरा चीज कि आप सिलेबस वो बहुत ज्यादा फैक्टर करता है, अगर एक से ज्यादा तो भाषा है, अगर आपके पास एक ही नॉलेज है हिंदी, हिंदी के अलावा और अन्य भाषाओं के बारे में आपको कुछ नहीं पता है, तो हिंदी लेना ही पड़ेगा। और ऐसा नहीं सोचना है कि उसमें सिलेबस ज्यादा है, मार्किंग कम होता है, आप उसमें अच्छे से मेहनत कीजिए, अपना एफर्ट लगाइए, उसमें ज्यादा सही रहेगा। क्लियर है? वो चीजें आपको ज्यादा फेवरेबल रहेगा। अदरवाइज अगर दूसरे में लेते हैं, अगर आपको बहुत ज्यादा वहां पर डिफिकल्टीज होती है तो उसे मैनेज करना मुश्किल हो सकता है। तो ये चीजों को ध्यान में रखते हुए आपको सिलेक्ट करना है। क्लियर है? तो पहला चीज था आपका था कि पकड़ किस में ज्यादा है, स्टडी सोर्सेस, तो इन सारे चीजों को ध्यान में रखना है। सिलेबस वगैरह क्या मायने रखती है, उतना ज्यादा मायने नहीं रखता है, बहुत सारे स्टूडेंट को सिलेबस देखने लगते हैं कि किसका कम है किसका ज्यादा है, तो ये सिलेबस बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता है। हाँ, ये चीज मायने रखता है कि एग्जामिनर के द्वारा जो मार्किंग किया जा रहा है, तो प्रीवियस स्टूडेंट के द्वारा तो हमने बताया, जैसा कि आपको सटीक प्रमाण नहीं मिला है लेकिन बहुत सारे छात्रों के द्वारा ये बोला गया था, तो इन सारे चीजों को ध्यान में रखना है। और भी चीजें हैं जैसे कि आपका आप उसमें जो भाषा एवं साहित्य पेपर को सिलेक्ट कीजिएगा उसमें आपका जो रोल है उसका या फिर जो सिलेबस है उसको आप अच्छे से जरूर कंप्लीट कीजिएगा, चाहे आप जिस भाषा को आप सिलेक्ट करते हैं। तो इसी में सिर्फ इतना ही हमको इन्फॉर्म करना था, बहुत सारे छात्रों के द्वारा ये प्रश्न पूछा गया था। तो ओवरऑल आई होप आप सबका जो डाउट था वो क्लियर हो गया होगा, फिर भी अगर आपके पास डाउट है तो आप कमेंट करके कुछ पूछ सकते हैं, उसका आपको जवाब दिया जाएगा। तो थैंक यू, अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो उसे जरूर लाइक कीजिएगा, उसे शेयर कीजिएगा जिससे कि अन्य छात्रों को भी पता चल सके, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपका नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।